तो दोस्तों, अगर आप भी उनमें से हो जिनको होम एंटरटेनमेंट सिस्टम में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक प्रीमियम साउंड बार के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये है सोनोस का, बहुत बड़ा सा, एक सेकंड, सोनोस का आर्क, यानी कि इसकी जो प्राइस है करीब 1,00,000 रुपए के आसपास है। लेकिन इस प्राइस में आपको ये साउंड बार क्या चीज डिलीवर करता है, ये आपको कंसीडर करना चाहिए या नहीं, सभी चीजों के बारे में डिटेल पता लगाएंगे इस वीडियो में। मैं हूं दिव्यकांत और चलिए शुरू करते हैं इस साउंड बार की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। अब देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहली चीज, इसका जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग नहीं है। बड़े से बजुआ शेप वाले बॉक्स के अंदर ये आता है और यहाँ पर आपको बॉक्स के अंदर इसका मैनुअल इंस्ट्रक्शन गाइड मिल जाएगा, एक अडेप्टर मिलता है यानी कि ऑप्टिकल टू HDMI, ये मुझे इनका प्रॉपर्टी लग रहा है, साथ ही एक HDMI केबल भी मिल जाएगा। ना रही बात बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पर ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर है वो हाई क्वालिटी प्लास्टिक का बना हुआ है और आपको सामने की तरफ मेश मिल जाता है और सोनोस का एक सटल सा लोगो मिल जाएगा और इधर साइड्स आपको एक साउंड ड्राइवर्स हैं वो मिल जाएंगे और वो भी काफ़ी सटल सा लगता है। और इसका जो डिज़ाइन है एक ओवल शेप में है, आपको स्क्वायर या फिर बॉक्सी डिज़ाइन नहीं मिलेगा और ये ओवल शेप देखने में भी काफ़ी सटल सा लगता है, तो डिज़ाइन वाइज कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ काफ़ी हैवी है, ये ध्यान में रखना, आप अगर वॉल माउंट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा इसका जो परफॉर्मेंस है। अगर टेबल टॉप पे भी रखते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी, बस जो टीवी का जो एरिया है थोड़ा सा नीचे का, वो थोड़ा ये हाइड कर देता है, बाकी उसके अलावा ओवरऑल डिज़ाइन में दिक्कत नहीं आएगी, काफ़ी स्टर्डी है ये। इस साउंड बार में आपको 8 मिड वूफर मिलते हैं, साथ ही 3 एंगल्ड सिल्क डोम ट्विटर्स मिल जाएंगे। अब देखो, ये मजाक वाली बात नहीं है कि इतने सारे स्पीकर्स, ये सारे फुली पैक्ड हैं इस कॉम्पैक्ट साइज साउंड बार में, इसलिए इसका जो वजन भी है ये काफ़ी ज़्यादा है, करीब 44 इंच का ये आपको मिल जाएगा, 44 इंचेस का, तो ये बेस्ट आपके टीवी के साथ जाएगा, 50 इंच के साथ, यानी कि मिनिमम 50 इंच का टीवी होगा तो आपको जो साउंड बार है काफ़ी अच्छा लगेगा। टीवी थोड़ा छोटा है तो साउंड बार उससे बड़ा निकल के आ जाएगा, 50 इंच से जो ऊपर वाले टीवी हैं उनके साथ ये बेस्ट रहेगा। अब रही बात पोर्ट्स की, तो इसमें कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेगा, एक HDMI ERC पोर्ट मिल जाएगा, साथ ही एक LAN पोर्ट मिलता है और पोर्ट काफ़ी लिमिटेड है, साथ ही एक पेयरिंग बटन मिल जाता है अगर आपको इनिशियली ये पेयर करना है तो। बाकी आपको इसके ऊपर की साइड में टच कंट्रोल बटन्स मिल जाते हैं, मल्टीफंक्शन बटन्स है प्ले पॉज का, और राइट हैंड साइड में आपको एक माइक्रोफोन का इंडिकेटर भी मिल जाता है। अब इतने लिमिटेड पोर्ट्स के साथ आप एक ही डिवाइस इससे कनेक्ट कर सकते हैं, इधर आप अपना टीवी कनेक्ट कर पाएंगे, यहाँ पर अगर आपके टीवी में ERC नहीं है तो आपको ऑप्टिकल पोर्ट भी मिल जाता है जिससे आप इसके अडैप्टर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं इस साउंड बार से। बाकी अगर आपको मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं तो यहाँ पर आपको एक अलग से डिवाइस परचेज करना पड़ सकता है, अगर आपको मल्टीपल डिवाइसेस स्विच करने हैं तो उस डिवाइस के थ्रू आप कर पाएंगे। एंड नाउ बात करते हैं कनेक्टिविटी और इसकी ऐप कंपैटिबिलिटी के बारे में। यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। सबसे पहली चीज़, इसको कनेक्ट करने के लिए वायरलेसली आपको ऐप चाहिए ही होगा अपने स्मार्टफोन में, और ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको इस डिवाइस को और फोन को सेम राउटर से कनेक्ट करना पड़ेगा। आप इसको इधर आप LAN के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली राउटर से, या फिर वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अब वाईफाई में भी ये थोड़ा चूजी है, यहाँ पर आपको ये जो डिवाइसेस 5 GHz सपोर्ट नहीं करता है। अब थोड़ा पहले ये आ गया था, इंडिया में काफ़ी टाइम बाद आया है, तो इसके कारण हो सकता है कि इसमें उस टाइम 5 GHz का सपोर्ट नहीं रहा। इसमें आपको 2.4 GHz से कनेक्ट करना पड़ेगा अपने वाईफाई से और फ़ोन को भी, तभी ये जाकर सिंक करेगा और ऐप से आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे और कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप टीवी से डायरेक्टली HDMI के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो डायरेक्टली प्लग एंड प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें आपको कोई ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली HDMI पोर्ट पर लगाइए और टीवी के ERC पोर्ट में लगाइए, HDMI ERC में, आपको कुछ सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनिशियली। लेकिन हाँ, अगर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स इस्तेमाल करने हैं तो आपको अपना ऐप जो है जरूर इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक और चीज है कि इसमें डायरेक्टली आप ब्लूटूथ से प्ले नहीं कर सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखना, आपको ऐप के थ्रू ही म्यूजिक प्लेयर जो है वो भी आपको साइन इन करना पड़ेगा, एप्पल म्यूजिक हो गया और Amazon म्यूजिक हो गया, आपको पहले साइन इन करना पड़ेगा तब आप डायरेक्टली स्ट्रीम कर पाएंगे इस डिवाइस में। अब देखो, यहाँ पर कंपनी ने कुछ सोच के इस चीज को इम्प्लीमेंट किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्लूटूथ से प्ले करते हैं तो मैक्स टू मैक्स AA कोडेक तक जाता है, लेकिन अगर ये डायरेक्टली स्ट्रीम करता है इंटरनेट से तो यहाँ पर आपको बढ़िया क्वालिटी मिलती है। यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में जो लैग होता है और जो बिट रेट कॉम्प्रोमाइज होता है, यानी कि जो साउंड क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज होता है, वो चीज नहीं मिलती है। साउंड क्वालिटी के मामले में ये चीज बढ़िया है, लेकिन कन्वीनियंस के मामले में थोड़ा सा ये पीछे हटता है। लेकिन एक चीज काफी सही लगी, ये जो डिवाइस है ये Google Assistant और Alexa enabled है, तो अगर आप Alexa इस्तेमाल करते हैं
तो इसमें आप साइन इन करके उसको यूज कर पाएंगे। आपको बार बार फोन छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप एलेक्सा या फिर गूगल असिस्टेंट इन्वोक करके सारे म्यूजिक वगैरह सुन पाएंगे, जो कि चीज मुझे काफी बढ़िया भी लगी। और हाँ, ये एयरप्ले सपोर्ट करता है, एप्पल एयरप्ले, उसके लिए आपको एप्पल आईफोन चाहिए होगा, लेकिन क्रोमकास्ट ये सपोर्ट नहीं करता, तो ये चीज ध्यान में रखना। अब देखो, कनेक्टिविटी के मामले में इतने हसल बसल के बाद ये डिवाइस एक चीज जो है बढ़िया से अदा करता है, वो है साउंड क्वालिटी। इस साउंड बार में आप कोई सा भी टाइप का साउंड सुनिए। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन जैसे कि गिटार्स एंड ड्रम्स आर रियली गुड। स्टीरियो एक्सपेंशन ने मुझे काफी बढ़िया लगा इस डिवाइस में, और आप डिफरेंशिएट आराम से कर पाएंगे। अब जैसे कि मैंने बताया, आउट ऑफ द बॉक्स तो इसमें आपको हाईज और मिड्स और इवन जो सेमी बेस होता है वो भी आपको ये बढ़िया से डिलीवर करता है, लेकिन जहां पर डीप बेस वाली बात आती है, यानी कि जो किसी सॉन्ग में अगर आपको डीप बेस सुनना है, तो उसके लिए आप सबवूफर को जरूर मिस करेंगे। और हाँ, जो इसका सबवूफर आता है वो भी कम कीमत वाला नहीं है, वो भी लगभग इतने का ही आता है। एंड रही बात मूवी की, तो ये साउंड बार उस चीज के लिए माहिर है। अब ये चीज मैं क्यों कह रहा हूं, देखो मैंने काफी सारे साउंड बार से लेके जो होम थिएटर सिस्टम होते हैं करीब 5.1 चैनल वाले, इन सभी को मैंने काफी स्पीकर्स मैंने ट्राई करे हैं, सुने भी हैं, लेकिन ये जो साउंड बार है एक्सेप्शनली क्लियर वोकल्स और बढ़िया डायलॉग क्लैरिटी के साथ आपको डिलीवर करता है। देखो, आमतौर पर जो साउंड बार होते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी मूवी में कोई एक्शन सीक्वेंस आया, वहां पर बहुत सारे लाउड म्यूजिक होते हैं, लेकिन उसके बीच में जो वोकल्स होते हैं या फिर डायलॉग्स होते हैं वो थोड़ी सी दब सी जाती है, लेकिन ये जो साउंड बार है उतने ही बढ़िया इफेक्ट के साथ वोकल्स भी आपको क्लियर सुनाई, मतलब क्लियर देता है, डिलीवर करता है, और आपको बार बार ट्यून करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आम साउंड बार में क्या होता है कि आपको बार बार वॉल्यूम अप डाउन करना पड़ेगा, जहां पर डायलॉग शुरू हो गया आपको वापस से वॉल्यूम बढ़ाना पड़ सकता है, और जहां पर एक्शन सीक्वेंस आया, बहुत धाम धूम म्यूजिक आया, तो वहां पर आपको बार बार अचानक से वॉल्यूम कम करना पड़ जाता है। तो ये चीज़ इस साउंड बार में मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको जो स्टीरियो सेपरेशन है, मान लीजिए राइट हैंड साइड से कोई आवाज़ दे रहा है, तो आपको डिफ्रेंशिएट आप कर पाएंगे, वो चीज़ आपको क्लियरली सुनाई देता है कि हाँ भाई जो इफेक्ट है वो राइट हैंड साइड से आ रहा है। तो ये देखो, ओवरऑल जो मूवी का जो सीक्वेंस मुझे इस डिवाइस में एक्सपीरियंस हुआ ना, वो मुझे आज तक किसी भी साउंड बार में नहीं हो, और मूवी के हिसाब से देखो ये साउंड बार आपको निराश नहीं करेगा। अब यहाँ पर आपको ट्रू प्ले का भी एक ऑप्शन मिलता है, इसका मतलब ये है कि अगर आप कम वॉल्यूम भी रख रहे हैं तब भी आपको डायलॉग्स जो हैं क्लियर सुनाई देंगे, बार बार आपको वॉल्यूम बढ़ाने या घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि रात के समय स्पेशली। तो जैसे कि ये स्पीकर कह रहा है कि क्लियर डायलॉग्स, और वो चीज देखने को भी मिल रही है। एंड नाउ फाइनली बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में, कि क्या ₹1,00,000 के आसपास ये सिर्फ साउंड बार आपको खरीदना चाहिए या फिर मार्केट में और भी ऑप्शंस हैं। देखो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ बहुत सारी मूवीज वगैरह देखते हैं, इवन अगर आप म्यूजिक भी सुनते हैं, तो देखो ये जो साउंड बार है निराश नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप मूवीज के हिसाब से देखना चाह रहे हैं, अगर आपको जो साउंड में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है मूवीज देखते वक्त, इवन डायलॉग्स में भी, तो ये जो डिवाइस है वो चीजें बढ़िया से डिलीवर करता है। लेकिन अगर आपको म्यूजिक में बेस वगैरह चाहिए, तो देखो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ₹1,00,000 लगभग और डालना पड़ सकता है इसका सब वूफर खरीदने के लिए, जिससे कि आपको एक ओवरऑल बढ़िया पैकेज ये बनाएगा। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में और भी अल्टरनेट्स डाल दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है डायलॉग क्लैरिटी में, लेकिन आपको वहां पर साउंड बार के साथ सब वूफर भी मिल जाएगा लगभग इसी प्राइस में, और उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी रहेगी काफी बढ़िया रहेगी। कुछ सैमसंग के हैं और कुछ सोनी के हैं, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ऑलराइट गाइस, आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ये साउंड बार आपको लेना चाहिए या नहीं, और मेरे हिसाब से देखो मैं फैन हो गया उसके जो डायलॉग क्लैरिटी है एक्चुअली उसके ऊपर। बाकी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये स्पीकर कैसा लगा, और कुछ सवाल हो इसको लेके तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।